दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर मैं आप भी सोच रहे हैं पेन ईयर का केवाईसी कराना, जैसे कि कुछ इस तरह का अगर मैं आपको दिखा रहे हैं, तो आपको केवाईसी किससे कराना चाहिए और किससे नहीं कराना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप अगर मैं लॉग इन कर लिए होंगे, जब से विड्रो या बैलेंस इंक्वायरी पर क्लिक करते होंगे, तो आपको कुछ इस तरह का लिख के जरूर आता ही होगा कॉन्टेक्ट RM, या बैलेंस इंक्वायरी पर भी क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे लिख के जरूर आता होगा। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था KYC कैसे करते हैं, उस पर मैंने फुल डिटेल्स में बताया था, बट इतने लोग ने कमेंट के नीचे कुछ इस तरह के, जैसे कि अगर मैं मेरे यूट्यूब पे जाएंगे और यूट्यूब में आप सर्च करेंगे पेनियर बाइक KYC, ठीक है, जैसे सर्च करेंगे तो एक ऊपर वीडियो आएगा, जैसे कि मेरा ऊपर वाला वीडियो है ऑनलाइन बैंकिंग चैनल वाला, जबकि कुछ इस तरह ये, इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ, अच्छा इसके अंदर कमेंट बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे वही लोग भरे हैं जो पैसा लूट के भागते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये वही लोग हैं जिनका नंबर दिख रहा है, ठीक है, ये वही लोग, कुछ इंसान ठीक हैं बट इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। ये बोल रहे हैं कि मैं 500 रुपये में भी KYC करता हूँ, और ये बोल रहे हैं कि मैं 300 में भी KYC करता हूँ, बट एक KYC होता कितने में है, ठीक है, क्या इन लोग क्या फ्रॉड हैं क्या है? मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ, बट इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए कमेंट में इतने लोग नंबर डाल के रखें कि भैया मेरे से KYC करा लो, मैं रिटेलर हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, ठीक है, मतलब इन लोग सब डिस्ट्रीब्यूटर ही बन गए इंडिया के अंदर, जिन जो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं वो भी बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और जिन लोग इस पर कॉल किए हैं, ठीक है, मेरे पास ये वीडियो में मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था, बट इसी में लोग नंबर पर कॉल किए थे, वो नंबर नहीं बताऊँगा कि ये नंबर कौन सा है जो कॉल, क्योंकि उस नंबर पर हो सकते हो मेरे, तो वो नंबर में मैं नहीं बताऊँगा, बट आप लोग अगर मैं कॉमेंट में किसी का भी पढ़ते हैं, उसमें कोई बोला था, कोई बोलता है कि मैं 200 रुपये में KYC कर दूंगा, ठीक है, तो आप बिना जाने पहचाने किसी से भी KYC मत कराइए प्लीज, ठीक है, अगर मैं उसे जानते हैं तो ही KYC कराइए, वरना मत कराइए। जैसे कि यहाँ पे बस पढ़ेंगे तो इसमें बस डिस्ट्रीब्यूटर के ही नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, कहीं कहीं खूब ज़्यादा ही लिखे हैं डिस्ट्रीब्यूटर लोग, तो आप लोग इनसे KYC प्लीज न कराएं। अब ये बोलते हैं मैं 500 में भी कर देता हूँ, 400 में भी कर देता हूँ, चलिए मैं आपको एक सबूत दिखाता हूँ, ये मैं भी एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और एक देखिए, ये देखिए मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और ये मैं पेनियर का डिस्ट्रीब्यूटर, ये देखिए पेनियर में लॉगिन हूँ, ठीक है, पेनियर का जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर का पोर्टल कुछ इस तरह का रहता है, ठीक है। अब वो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, समझिए कि वो नया रिटेलर बनाता है, तो कितना पैसा वो डिस्ट्रीब्यूटर के खाते से कटता है ताकि वो रिटेलर बन पाता है, ठीक है, नया ऐड करता है तो उसके अकाउंट से 650 रुपये कटता है डिस्ट्रीब्यूटर के, और सामने वाले से रिटेलर से 1000 ले या 1500 ले या 800 ले, ऊपर उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो समझिए कि यहाँ पे जब मैं एड रिटेलर पर क्लिक करता हूँ, बस आपको सबूत दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे पेन कार्ड उनका नंबर डालना पड़ता है रिटेलर का नया बनाने के लिए, और अगर मैं वो रजिस्ट्रेशन किया रहता है तो भी उसको पैकेज को अपडेट करेगा तो भी डिस्ट्रीब्यूटर के में आ जाता है। अब यहाँ पर सिलेक्ट, देखिए यहाँ पर सिलेक्ट पैकेज, जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है कि जो एक डिस्ट्रीब्यूटर है, जो एक रिटेलर है, उसको 650 रुपये आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा। अगर मैं समझिए कि मैं किसी के बनाए यहाँ से क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैंने उसका मोबाइल नंबर सब चीज़ फिल कर दिया, ठीक है, उसके पास ID पासवर्ड चला जाएगा, बट ये मेरे वॉलेट से 650 रुपये काट लेगा और डिस्ट्रीब्यूटर से मैं 1000 लूँ या 1500 लूँ। बट इन लोग, हमें समझ नहीं आता है कि इन लोग 500 400 क्यों बोलते हैं, ठीक है, तो हमें तो ये लगता है कि इन लोग फ्रॉड करते हैं, बट हाँ 500 कुछ लोग होंगे, एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही दो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के मतलब डिस्ट्रीब्यूटर से भी ऊपर होते हैं, उन लोगों को 500 रुपये में आता है, जैसे कि मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ तो मेरा कुछ 650 रुपये में मैं परचेज करता हूँ, तो मैं रिटेलर के 800 में 900 में या 1000 में दूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, या जो भी है डिस्ट्रीब्यूटर वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट इन लोग 400 में भी KYC करते हैं, 500 में भी KYC करते हैं, सोचने वाली बात है, ठीक है, 500 में वो जो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो कभी कमेंट नहीं करते हैं कि मैं 500 में भी करता हूँ, ठीक है। और ये आप लोग सोच रहे हैं ना कि मैं KYC पेनियर में करा दूँ, तो मैं भी बता दूँ कि मैं भी एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और मैं दूसरे को KYC इसलिए नहीं करता हूँ ताकि वहाँ पे सामने वाले के पास जाके KYC करना पड़ता है, मैं खुद करता हूँ अपने ज़िले में, अपने आजू बाजू के जो ज़िले हैं दूर नहीं जाता हूँ, बट इन लोग ना जानते हैं ना पहचानते हैं, इस पर कॉल लगा के, ठीक है, और इनसे KYC करा लेते हैं। और KYC क्या कराते हैं, तो इन लोग KYC क्या कराते हैं, सेल्फ KYC कराते हैं, ठीक है। अब सेल्फ KYC करा लेते हैं तो कुछ प्रॉब्लम कुछ इस तरह का आने वाला, चलिए मैं एक और ID लॉगिन करता हूँ
और मैं आपको यहाँ पे फुल लाइव करके दिखाता हूँ। मैं आईडी लॉगिन करने से पहले, आपको नया है तो आपको मैं पहले एक बात बता देता हूँ, अगर मैं आप नया है तो बाद में भी छोड़ के चले जाएंगे, इसके लिए मैं पहले ही बता देता हूँ। अगर मैं आपको KYC कराना है ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे सपोर्ट का एक ऑप्शन रहेगा, जब इस पर क्लिक करें यहाँ पे देखिए आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर दिखाई देगा ठीक है, उस पर कॉल कीजिएगा। बट रजिस्ट्रेशन करने के बाद 3 से 4 दिन बाद कॉल कीजिएगा ठीक है, और उसी नंबर पे कॉल कीजिएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूटर आपका जो पिन कोड है जो आपके एरिया के आजू बाजू का डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा वही रहेगा, उसी से KYC कराइए। अगर मैं देखिए RM लिख रहा है ना, और जो लोग सेल्फ KYC करा लेंगे, मैं एक और बात बता दूं कि अगर मैं जो आपके नज़दीकी में भी डिस्ट्रीब्यूटर वो बोलता है सेल्फ KYC कर दो ठीक है, फिर भी आप लोग प्लीज मत करिए। अगर मैं आप करते हैं तो क्या आपको दिक्कत आने वाला है, मैं चलिए दूसरा आईडी लॉगिन करके दिखा देता हूँ ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ, यहाँ पे तो RM मांग रहा था, बट जो सेल्फ KYC करा लिए हैं उन लोगों को क्या दिक्कत आता है। ये देखिए मेरा पहला वाला नंबर है, अब मैं दूसरे वाले नंबर से लॉगिन करता हूँ, ये दूसरा वाला नंबर। अब मेरे को यहाँ पे जो भी मेरा पासवर्ड है मैं फिल कर लेता हूँ और लॉगिन पर क्लिक कर देता। ये जो अभी मैं जो ये वाला लॉगिन किया हूँ ये सेल्फ KYC हुआ। अब सेल्फ KYC में क्या प्रॉब्लम आता है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए डू सेल्फ KYC, अब ये बोल रहा है कि जो भी रिटेलर है उनको बार बार ये अंगूठा लगाना पड़ेगा बायोमेट्रिक लगा के ठीक है, और जो लोग पूरा फुल KYC करा लेते हैं उन लोगों के ऑप्शन नहीं आता है। मैं अभी जो फुल KYC करा लिए हैं उन उसमें भी मैं लॉगिन करके अभी दिखा देता हूँ ठीक है। अब समझिए कि ये जो रिटेलर है ठीक है, अब इनको बार बार अगर मैं जो सेल्फ KYC करा लेते हैं, अगर मैं आप लोग भी सेल्फ KYC करा लेते हैं, बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर दिमाग चलाते हैं कि अपने रिटेलर से ठीक है बोलते हैं भैया तुम कर लो मैं आके बाद में KYC कर देगा ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कराइए, अगर मैं आपको कराना है तो उसको बोलिए भाई तू आ और मेरा फुल KYC करेगा तभी मैं इसका यूज करूँगा ठीक है, वरना आपका एक 1040 रुपये तो जब पैकेज अपडेट करते हैं तो लेता ही है, नहीं तो 1000 लेगा ही लेगा, बट आपको उससे पूरा फुल KYC करा लेना चाहिए। अब ये क्या है, रिटेलर बार बार परेशान होगा, जब भी इसमें लॉगिन करेगा तो बार बार उसको अंगूठा लगाना पड़ेगा बायोमेट्रिक लगा के। अब चलिए मैं इस पर जब एक बार क्लिक करता हूँ तो ये बोल रहा है कि आपको अपना बायोमेट्रिक सिलेक्ट करना है, जैसे कि मेरे पास मॉर्फो है तो मैं मॉर्फो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे बोल रहा है आधार कार्ड नंबर डालने के लिए, तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड नंबर डाल देना है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, स्कैन फिंगर पर क्लिक करना, अब ये रेडी हो गया है। अब इसको बार बार रिटेलर को अपना अंगूठा लगाना पड़ेगा ठीक है, जब तक अंगूठा रिटेलर नहीं लगाएगा उसके बाद रिटेलर अंगूठा लगा लेगा उसके बाद सबमिट करेगा। ये देखिए अभी ये लॉगिन हो जाएंगे, अभी देखिएगा तो देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। तो बार बार आप लोग अपना अंगूठा लगाएंगे तो ही बार बार ये खुलेगा, देखिए फिर लॉगिन हो गया ठीक है। अब देखिए ये क्या है कि इनका तो KYC हो गया यहाँ पे अरविंद कुमार। अब जब आप फुल KYC करा लेते हैं तो बार बार अंगूठा नहीं लगाना पड़ेगा, जैसे कि अब मैं फिर से लॉगिन करता हूँ और जो मैं फुल KYC उसमें करा चुका हूँ दूसरा वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद जो भी मेरा पासवर्ड है वो मैं पासवर्ड फिल कर लेता हूँ। तो देखिए ये नहीं मांगा है, देख सकते हैं उसमें कितना बैलेंस था और इसमें कितना बैलेंस है ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं। और ये फुल KYC हुआ है तो जो फुल KYC हो जाता है उनका बायोमेट्रिक बार बार अंगूठा नहीं मांगते। बट आपके वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जिन लोग ये यूट्यूब में जिन लोग कमेंट करते हैं ठीक है, इन लोग से KYC ना कराएं, और अगर मैं आपको नज़दीकी में जो डिस्ट्रीब्यूटर है उससे भी बोलें कि भाई तू मैं आता हूँ तो मेरा फुल KYC करो, वरना ठीक है वरना आप चले आओ मेरा फुल KYC करोगे तभी मैं पैसा अपडेट करेगा ठीक है। और एक यूट्यूब में अगर मैं ये वीडियो देख रहे हैं और कोई बोलता है कि भाई मैं 500 में कर देता हूँ या 600 में कर देता हूँ, इन लोग से KYC प्लीज न कराएं। और मैं बता दूँ अगर मैं आपको अगर मैं आपको पैकेज ज़्यादा लग रहा है तो आप स्पाइस मनी ले लीजिए, फिनो ले लीजिए, इससे भी बेस्ट स्पाइस मनी है ठीक है। जैसे देखिए मैं एक इसका डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और आप अगर मैं इंडिया के अंदर किसी भी कोने में रहेंगे ठीक है तो इसका KYC मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए कितना सर्विस है, यहाँ पे देख सकते हैं पैन कार्ड, इलेक्ट्रिक बिल, मोबाइल, फ्लाइट का टिकट निकाल सकते हैं, गैस रेल का भी टिकट निकाल सकते हैं, बट अपने लैपटॉप से जब लॉगिन करेंगे तभी आप रेल का निकाल सकते हैं। यहाँ पर आता है QR कोड भी है ठीक है, किसी से पैसा आप इसमें एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। बट मैं बोल दूँ ना कि पेनियर से एक नंबर पे स्पाइस मनी है, दूसरा नंबर पेनियर है, तीसरा नंबर फिनो है। इस समय मैं बता देता हूँ, पहले एक नंबर पर फिनो था उसके बाद
पेनियर था, उसके बाद स्पाइस मनी था। बट इस समय में मैं बता दूं कि इस समय एक नंबर पे स्पाइस मनी है। चाहे तो आप इसका जानकारी ले लीजिएगा, स्पाइस मनी क्या है, ये कितना कमीशन देता है, ठीक है। तो पहले इसको सर्च वर्च कर लीजिएगा, अगर मैं अच्छा लगेगा तो आप मात्र मेरे से 300 रुपये में आप आईडी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, जिससे आप व्हाट्सएप करेंगे आपको एक रिप्लाई आएगा, जिससे आपको क्या क्या सेंड करना है, कितना पैसा लगेगा, ठीक है। तो आपका तुरंत वो मतलब बोल, उसके बाद आपको 12 से 14 घंटे के अंदर आईडी आ जाएगा। बहुत सुबह अगर मैं सुबह में आप डॉक्यूमेंट 10 बजे पहले भेजते हैं तो मैं 100% वादा करता हूँ कि आपका 12 घंटे के अंदर आपका आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। अगर मैं 10 बजे सुबह से बाद में भेजते हैं तो आपकी आईडी आने में 24 घंटा या 30 घंटा भी लग सकता है, ठीक है। बट आप मेरे से आईडी ले सकते हैं। और तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आप लोग को वीडियो पसंद जरूर आया। पसंद आया तो पहले लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ये बताइएगा कि हमारा वीडियो किस तरह